है एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ इंडियन इकानॉमी राइट बहुत सारे टॉपिक्स हैं इंडियन इकानॉमी में विच वी विल स्टडी इन द कमिंग सीरीज़ आज की वीडियो में आई एम मेनली गोइंग टू फोकस ऑन द इंट्रोडक्शन इंडियन इकोनॉमी क्या है इकोनॉमी क्या होती है एंड वट आर द नेचर मतलब इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या हैं सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ दैट सबसे पहले बात करते हैं वॉट इज एन इकॉनॉमी जैसे आपने सुना है कंट्री नेशन तो जब हम किसी कंट्री को स्टडी करते हैं या उसे एनालाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन यू नो सप्लाई ऑफ मनी जब मॉनेटरी टर्म्स में किसी कंट्री या किसी रीजन को एनालाइज किया जाता है या उसकी कंडीशन को स्टडी किया जाता है तो हम उसे एक इकोनॉमी कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें यानी कि वी आर गोइंग टू स्टडी इंडिया इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स उसके गुड्स एंड प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेस का स्टेट क्या है कौन से मेजर से प्रोडक्शन आता है uh, कौन सेक्टर्स में इंप्लायमेंट ज्यादा है प्रोडक्टिविटी के मामले में व्हाट इज द स्टेट ऑफ आर कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट में व्हाट इज द स्टेट ऑफ आर कंट्री जब हम इन चीजों को स्टडी करेंगे देन वी विल कॉल इट द इंडियन इकॉनमी राइट दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इकॉनमी उसके बाद आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ये आपने इकनॉमिक्स में पढ़ा है देर आर फोर बेसिक इकनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन कंजम्पशन एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन राइट तो ये सारी एक्टिविटीज़ जब ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं तो हम उसे इकनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं क्योंकि इन सब एक्टिविटीज़ का यू नो एक इकनॉमिक कनेक्शन है राइट ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर सम हाउ रिलेटेड टू द मॉनिट्री प्रोडक्शन और टू द प्रोडक्टिव कैपैसिटी ऑफ एनी कंट्री जैसे इंडिया में बात करें तो इंडिया में कंजम्पन बहुत ज़्यादा है

तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ से हमारे पास प्रोडक्शन आती है जहाँ पे कंजम्पशन होती है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं सो देर आर थ्री सेक्टर्स एज यू कैन सी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की ऑल दो हम इस टॉपिक को डिटेल में ही पढ़ेंगे इन इन द कमिंग स्लाइड्स बट एज ऑफ नाउ प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज के साथ डील करता है फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है फिशिंग फार्मिंग माइनिंग फिशिंग बिकॉज अगेन आप नेचुरल रिसोर्स यानी कि एक नेचुरल एनिमल फिश को यू नो यू आर ब्रीडिंग इट फार्मिंग माइनिंग माइनिंग आप मिनरल्स वगैरह भी अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हो सो ऑल दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज इनके साथ जब डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है इंडस्ट्री का दैन दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्री सेकेंड आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेकेंड नंबर पर है इसका मतलब है ये वो इंडस्ट्री है जो प्राइमरी इंडस्ट्री से रिसोर्सेज लेती है और उसे प्रोसेस करती है फर्दर ताकि वो और ज़्यादा यूटिलाइज़ किए जा सकें तो सेकेंड इंडस्ट्री में आपके आ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कार फैक्ट्री फ्लावर फ्लामिल्स टूथपेस्ट अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ जैसे कार फैक्ट्री एक कार में जो मेटल्स लगते हैं जो चीज़ें लगती हैं फॉर एग्जाम्पल आयरन ये आपको कहाँ से मिलता है या आपको नेचर से मिलता है तो नेचर से माइनिंग के थ्रू आपने आयरन एक्सट्रैक्ट किया दैट इज़ प्राइमरी एक्टिविटी अब उस आयरन को आप प्रोसेस करके एक फर्दर यूजेबल प्रोडक्ट बना रहे हो जिसे हम कार कहेंगे तो वो एक सेकेंड इंडस्ट्री है सिमिलरली फ्लामिल्स फ्लामिल्स में वीट वीट हम प्रोड्यूस करते हैं थ्रू फार्मिंग इन प्राइमरी इंडस्ट्री वहां से उसे लेके हम जब प्रोसेस करते हैं और फ्लार्स बनाते हैं देन दैट इज़ द सेकेंड इंडस्ट्री तो ये सारी इंडस्ट्री जो कि प्रोसेसिंग में होती है उन्हें हम सेकेंड इंडस्ट्री कहते हैं और लास्ट आती है टर्शरी टर्शरी इंडस्ट्रीज़ को हम सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं वो सभी सेक्टर्स वो सभी चीजें जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को काम करने में हेल्प करती हैं उन्हें हम टोर्शरी सेक्टर्स कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको एक फैक्ट्री सेटअप करनी है तो आप सेकेंडरी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो लेकिन उस फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए आपको फाइनेंस चाहिए ये लोन आप जाके लेते हो बैंक से तो बैंक क्या कर रहा है आपकी हेल्प कर रहा है उन चीजों को आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए तो बैंकिंग एक टर्शरी इंडस्ट्री हो जाती है राइट रिटेल शॉप्स रिटेल शॉप्स वो शॉप्स हैं जो कि प्रोडक्ट्स बनाते नहीं हैं लेकिन मैन्युफैक्चरर से लेते हैं और कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं तो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में कनेक्शन कौन लेके आ रहा है रिटेलर्स तो रिटेलर्स हो जाते हैं टर्शरी इंडस्ट्रीज सो इस तरीके से तीन सेक्टर्स से हैं इंडियन इकोनमी के प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर विल डू डिस इन मच डिटेल इन द कमिंग नाउ लेट्स गो टू द मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो दैट इज द नेचर ऑफ द इंडियन इकॉनॉमी राइट इंडियन इकोनॉमी का नेचर कैसा है Anyway, क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम इंडियन इकोनॉमी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट आता है पॉवर्टी पॉवर्टी एक ऐसी स्टेट है व्हेन यू डू नॉट हैव इनफ मटेरियल पोजेशंस और इनकम ऑल द पॉवर्टी सबको पता है क्या होता है बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन सम हाउ समाइम्स दिस टर्म तो वैन यू हैव लैक ऑफ मटीरियल पोजेशंस या इनकम का जब लैक होता है ताकि जिससे कि आपकी बेसिक नेसेसिटीज भी कंप्लीट नहीं हो सकती हैं तो उस स्टेट को हम स्टेट ऑफ पॉवर्टी कहते हैं एंड इंडियन इकोनॉमी सफर्स वाइडली फ्रॉम पॉवर्टी यानी कि हमारी मेजोरिटी पॉपुलेशन है काफी पॉपुलेशन है जो पॉवर्टी को सफर करती है देन कम्स अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है वेयर द पर्सन इज विलिंग यानी कि वो चाहता है काम करना एंड इज केपेबल ऑल्सो मतलब उसमें वो स्किल्स और एबिलिटीज भी हैं बट स्टिल दैट पर्सन डज नॉट गेट द वर्क तो उस सिचुएशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे जैसे कि एक बच्चे की बात करें मे बी द चाइल्ड इज विलिंग बट ही इज नॉट केपेबल एज ऑफ नाउ टू जॉब तो हम उसे अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे सो अनएम्प्लॉयड वो सिचुएशन होती है वेन अ पर्सन इज विलिंग एंड केपेबल टू डू द वर्क तो इंडिया में येस वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हायर साइड पे है कंपेयर टू द पॉपुलेशन दैट वी हैव इन द कंट्री देन कम्स इलिटरेसी सबसे पहले अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इलिटरेसी एंड एजुकेशन इलिटरेसी होता है

एंड मोर ओवर दैट इट्स सेवेंटी फोर परसेंट में वेरिएशन भी बहुत हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इंटर स्टेट वेरिएशन बिहार का लिटरेसी रेट फोर्टी सेवन परसेंट है ऑन दी अदर हैंड केरला का लिटरेसी रेट नाइन्टी परसेंट है तो इंटर स्टेट वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा हैं ऑल्सो इन इंडिया जेंडर वेरिएशन भी हैं फॉर एग्जाम्प मतलब एज अ फैक्ट मेल्स का लिटरेसी रेट एटी टू परसेंट है और फीमेल्स का लिटरेसी रेट सिक्सटी फाइव परसेंट है सो दिस इज़ नॉट अ गुड पिक्चर दैट मीन्स देर आर कंसिडरेबल नंबर ऑफ पीपल हु केनट इवन रीड एंड राइट राइट देन कम्स इकोनॉमिक डिस्पैरिटी डिस्पैरिटी का मतलब होता है इनइक्वालिटी राइट तो इंडिया में इकोनॉमिक इन है यानी कि पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनईक्वल है यानी कि यहाँ पे रिच इनकम फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द टॉप टेन कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ जी प्रोडक्शन के केस में इंडिया काफी अच्छे स्कोर पे आती है बट मेजोरिटी ऑफ दैट इनकम गोस टू अ वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल राइट एंड माइनर एंड माइनर पार्ट ऑफ दैट इनकम गोज टू लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इसकी वजह से इकनॉमिक इनइवालिटीज बहुत हैं एंड देर आर डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी सो इंडियन इकोनॉमी सफर्स फ्राम दिस ऑल्सो देन वी हैव डेवलपिंग इकोनॉमी येस हमारी कंट्री एक डेवलपिंग इकॉनॉमी है इंडिया का पर कैपिटल इनकम है नाइनटीन फोर्टी डॉलर्स वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फोर्टी डॉलर्स एंड इट रैंक्स वन थर्टी एट आउट ऑफ वन एटी फोर कंट्रीज जिसका मतलब रैंक में काफ़ी लोअर साइड पर है दैट्स वाई इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी और इसका मेजर रीजन ये है कि हमारी मेजर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है एंड एग्रीकल्चर सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन जी डी पी में बहुत कम है सो वी कैन से प्रोडक्टिविटी पर पर्सन गेट्स वेरी वेरी लो सो इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी देन कम्स लो पर कैपिटल इनकम यस ऑल दो हमारा जी डी पी काफी अच्छा है आई मीन आई नॉट से इट्स वन ऑफ द बेस्ट जी डी पी बट स्टिल डेवलपिंग इकोनॉमी गोज येस वी आर गुड इन कंसिडर्स इन टर्म्स ऑफ जी डी पी बट बिकॉज द पॉपुलेशन इज़ वेरी वेरी हाई तो हमारी पर कैपिटल इनकम काफ़ी लो हो जाती है पर कैपिटल इनकम का मतलब होता है इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी अर्नड बाई पर पर्सन इन अ ईयर इज़ कॉल्ड पर कैपिटा इनकम एंड इंडिया हैज़ अ वेरी लो पर कैपिटल इनकम एज वी सॉ इन द लास्ट लाइट वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फोर्टी यू एस डॉलर है एज पर टू थाउजेंड सेवेंटीन स्टेटिस्टिक्स और हमारी कंट्री आउट ऑफ वन एटी फोर कंट्रीज वन थर्टी एट रैंक पर आती है विच इज़ अ वेरी वेरी लोअर रैंक देन वी हैव मिक्सड इकानमी यस हमारी कंट्री एक मिक्सड इकॉमी है यानी कि हमारी कंट्री में दोनों कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकॉनमी के फीचर्स पाए जाते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे गवर्नमेंट का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंडिया में दोनों ही प्राइवेट इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट का इक्वल आई विल नॉट से इक्वल बट हाँ दोनों का मिक्स्ड कंट्रीब्यूशन है इन एक्टिविटीज इसलिए इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है economy. Economy का मतलब हुआ कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के फीचर्स हैं बट डूल इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसी इकॉनॉमी जहाँ पे मॉडर्न एज वेल एज ट्रेडिशनल सेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं राइट right? ये आप सबको पता है इंडिया में हमें मॉडर्न सेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं दिल्ली मुंबई यहाँ पे हमें मॉडर्न मॉडर्न कल्चर मॉडर्न बिल्डिंग सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है ऑन दी अदर हैंड वी हैव हैवोलो यू नो स्टेट्स लाइक राजस्थान बिहार जहाँ पे ट्रेडिशनल सेक्टर्स ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं तो इंडिया में डुअल डूअल इकोनॉमी के फीचर्स भी पाए जाते हैं द को एग्जिस्टेंस ऑफ मॉडर्न एज वेल एज ट्रेडिशनल सेक्टर सो द इज अ डिफरेंस बिटवीन मिक्सड इकॉमी एंड डुअल इकॉनॉमी देन कम्स लो लेवल ऑफ़ ह्यूमन डेवलपमेंट एच डी आई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे बट एनी हाउ एज ऑफ नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो कि किसी कंट्री के किसी इकोनॉमी के ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करता है ऑन थ्री बेसिस नॉलेज हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन तीनों बेसिस में मेजर किया जाता है कि इकोनॉमी के ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे डेवलप हो रहे हैं एंड इंडिया रैंक्स प्रति लो एज पर एज द एच डी आई स्कोर विच वी विल स्टडी इन डिटेल लेटर ऑन देन वी हैव यहाँ पर मैंने और बहुत सारे फीचर्स को क्लब करके डाला है प्री डोमिनस ऑफ एग्रीकल्चर एज आई मैंशन अर्ली ओर ऑल्सो मोर देन फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करती है लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर का जी डी पी कॉन्ट्रीब्यूशन ट्वेंटी फाइव परसेंट से भी कम है सो so एनी हाउ एग्रीकल्चर सेक्टर प्री डोमिनट है क्योंकि हमारी मेजर पॉपुलेशन वहाँ पर काम करती है सो इंडिया इज मोर और लेस दी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ येस इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी हाई साइड पर है टुडे वी आर बिलो टेन परसेंट सो दैट्स स्टिल फाइन बट नाइनटीन एटीज़ का एक ऐसा एरा था जब इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ट्वेंटी फाइव परसेंट के आसपास था विच इज़ वेरी वेरी हाई सो द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज वेरी हाई लो लेवल ऑफ प्रोडक्ट एफिशियंसी लो लेवल ऑफ प्रोडक्ट एफिशियंसी का मतलब होता है जितने आपके रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से आप प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहे हो देर आर मेनी रीजन ऑल दीज रीजन आर इंटरकनेक्टिव बैकवर्ड इंस्टीट्यूशन एंड सोशल फ्रेमवर्क आज भी इंडिया में ऐसे लोग हैं या ऐसी सोसाइटीज़ हैं या ऐसे बिलीव्स हैं जो कि बहुत ही बैकवर्ड सोशल फ्रेमवर्क पे बने हुए हैं विच हिंडर्स द डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत सारे ऐसी मेंटालिटीज हैं ऐसे थाट प्रोसेस हैं जो कि बहुत पुराने बिलीव्स uh, पे चलते हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर अ डेवलपिंग इकोनमी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स येस इंडिया इज़ ब्लेस्ड विद नेचुरल रिसोर्सेज और हम अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं

So, these are certain features or the natures of the Indian economy. I hope you like the concept. I hope you understand the concept. In the next video, I am going to pick up another topic for the Indian economy that is, what is the difference between economic development and economic growth? So, if you like the video, please give me a thumbs up. Do subscribe to the channel. And till then, keep learning. Thank you so much.